ये वीडियो शुरू करने से पहले आप प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए कि आपने कितनी बार PUBG अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल किया है और उसको खेलने लगे हैं। जब भी हम कोई अपनी बुरी आदत छोड़ने की कोशिश करते हैं या फिर कोई एडिक्शन छोड़ने की कोशिश करते हैं तो हम अपने ऊपर एक दिन दो दिन या फिर ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ते कंट्रोल रख लेते हैं, फिर उसके बाद फिर से हम उन्हीं आदतों को करने लगते हैं। हम अपनी बुरी आदतों को कैसे छोड़ सकते हैं इसके ऊपर मैंने पहले एक वीडियो बनाया है, पर उस वीडियो में ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं गया था, ज़्यादा लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा। अगर आप चाहें तो इस वीडियो के एंड होने के बाद आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो PUBG आज तक का सबसे ज़्यादा एडिक्टिव गेम है जो मैंने आज तक देखा है। मैंने आज से पहले भी कई सारे गेम खेले हैं पर वो इतनी ज़्यादा एडिक्टिव नहीं थे जितना ज़्यादा PUBG है, क्योंकि कुछ महीने पहले मैं भी PUBG से एडिक्ट हुआ करता था। तो मैं ये वीडियो बनाने के लिए परफेक्ट हूँ क्योंकि मैंने उसका एडिक्शन छोड़ दिया है, क्योंकि मैं भी एडिक्ट हुआ करता था। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत ईजी स्टेप्स बताऊँगा, कुछ तरीके बताऊँगा जिससे आप अपना एडिक्शन छोड़ सकते हैं ईजिली। अगर आपको किसी चीज़ से प्रॉब्लम है तो आप उसको डायरेक्ट ख़त्म तो नहीं कर सकते ना, जैसे PUBG का एडिक्शन है आपको तो आप PUBG को अनइंस्टॉल करके थोड़ी ना उस एडिक्शन को रोक सकते हैं। तो शुरू करते हैं और जानते हैं कि हम अपना ये एडिक्शन कैसे छोड़ें। आप ये चीज़ें ज़रूर परेशान होंगी कि अगर आप PUBG अनइंस्टॉल कर देते हैं तो फिर भी आपका मन क्यों करता है उसको इंस्टॉल करने का और फिर से आप क्यों खेलने लगते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को जब आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि PUBG का एडिक्शन छोड़ने के लिए हमें उसको अनइंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अब वो कहानी है, तो एक राज्य था जिसमें एक राजा था जिसका नाम राजपाल था। तो जब राजा राजपाल अपने महल से निकलते थे, अपने जो उनका साम्राज्य था उसमें घूमने जाते थे, तो उनके पैरों में धूल लग जाया करती थी, उनका पैर गंदा हो जाया करता था। तो उन्होंने एक दिन अपने मंत्री गोपू चंद्र जिसका नाम था उससे कहा कि कुछ ऐसा करो कि मेरे पैरों में धूल ना लगे। अब यहाँ पे कुछ स्मार्ट बंदे ये कॉमेंट मत कर देना कि उसने जूते क्यों नहीं पहने, पहले स्टोरी को पूरा सुनो। तो गोपू चंद ने क्या किया कि 7.5 लाख झाड़ू लेके पूरे गांव, मतलब जितना बड़ा उनका साम्राज्य था, पूरे साम्राज्य में झाड़ू लगा दिए। और अगर हम धूल में झाड़ू लगाएंगे तो और धूल बढ़ जाएगी, उसके कारण और धूल बढ़ गई। फिर राजपाल ने कहा मेरे पैरों में तो अभी भी धूल लग रही है। तो गोपू चंद ने क्या किया कि पूरे साम्राज्य में पानी डाल दिया, जिससे क्या हुआ कि पूरे जो साम्राज्य था उनका कीचड़ से भर गया। तो गोपू चंद अब निकल ही नहीं पा रहे थे और अगर थोड़ा सा भी निकले उनके पैरों में कीचड़ लग जाता था। उस टाइम जूते की खोज नहीं हुई थी। अब उसके बाद गोपू चंद्र ने बोला कि क्या हो अगर हम पूरे राज्य में चमड़े बिछा दें, तो अगर आप जब भी कभी अपने राज्य से बाहर निकलेंगे तो आपके पैर बिल्कुल भी गंदे नहीं होंगे। राजा को ये आइडिया बहुत पसंद आया और उन्होंने एक चमड़े वाले को बुलाया। तो जब उन्होंने अब चमड़े वाले को बताया कि हमें ऐसा ऐसा करना है, पूरे राज्य में हमें चमड़े बिछाने हैं, तो चमड़े वाला हंसने लगा। तो उसने राजा से कहा कि पूरे राज्य में चमड़े बिछाने से कहा होगा, आप अपने पैरों में चमड़े लगा लीजिए तो आपके पैरों में धूल कभी नहीं लगेगी और पूरा राज्य भी बच जाएगा। और यहाँ से खोज हुई जूते की। एज आई सेड, इफ यू डोंट नो द होल स्टोरी देन शट अप। अभी मैं कह रहा हूँ अगर आप पूरी कहानी ना जाने तो हमें बीच में नहीं बोलना चाहिए। ओके देन, तो हमारा दिमाग भी उस गोपू चंद की तरह दिमाग लगाता है कि जो सारी समस्या है वो पूरे गेम में है। हम गेम को अनइंस्टॉल करते हैं, कुछ दिन बाद इंस्टॉल कर लेते हैं, कुछ देर के लिए फोन को दूर रख देते हैं, फिर से उस फोन के पास चले जाते हैं। हम कभी ये नहीं सोचते कि जो प्रॉब्लम है वो हमारे दिमाग में है, क्योंकि उस गेम के क्रिएटर ने उसे ऐसा बनाया ही है कि आप उससे एडिक्टिव हों। तो गेम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपके दिमाग में है, आपके ब्रेन में है। तो उस गोपू चंद का दिमाग मत लगाइए और गेम को अनइंस्टॉल मत करिए। अब यहाँ से हमें पता क्या चल जाता है कि हमारे दिमाग पे हमारा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। हम उस राजा की तरह हैं जो पूरे राज्य में चमड़े बिछाना चाहता है, ना कि अपने पैरों में जूता पहनना चाहता है। तो आप यहाँ पे डिसाइड कर लीजिए कि आपको करना क्या है, दो जूते पहन लेने हैं कि पूरे राज्य में चमड़े बिछा देने हैं। अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख लेते हैं तो आपके मोबाइल में PUBG जैसे 10 गेम हो फिर भी आप नहीं खेलेंगे गेम और अपना काम अच्छे से कर सकेंगे। आपको ह्यूमन नेचर के बारे में तो पता होगा, हम वही काम करते हैं जिस काम के लिए हमें हमेशा मना किया जाता है। तो अगर हम गेम को अनइंस्टॉल करते हैं तो हमारा और मन करेगा उस गेम को खेलने में। तो अनइंस्टॉल करना इज नॉट अ वे। सो अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या किया इस एडिक्शन को छोड़ने के लिए। तो आज से 1 या 2 महीने पहले जब भी मैं PUBG खेलने बैठता था तो मेरे दिमाग में कुछ ऐसे थॉट्स आते थे कि आज तो चिकन डिनर लेके ही आना है, क्या गजब का गेम है, क्या गन्स मिलती हैं, मैं AWM स्नाइपर चलाऊंगा, कितनी टॉप क्लास की गन रहती हैं,
मुझे लेवल 3 आर्मर मिलेगा, मैं ये टाइटल लूँगा, वो टाइटल लूँगा, क्या ग्राफिक्स है गेम के, ऐसे अच्छे अच्छे ख्याल आते थे जिससे मेरा गेम खेलने का और मन किया करता था। तो सीधा सीधा मैं उसके बारे में पॉजिटिव ओपिनियन दिया करता था। लेकिन जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, अब इसे कम करना पड़ेगा, तो मैं जब भी उस गेम को खेलने बैठता था तो मैं उसके नेगेटिव साइंस, और ये जो नेगेटिव चीज़ें हैं आपको सच में बोलनी है, और वो क्या चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। यार आप कितनी मेहनत करते हो, आधे आधे घंटे वेस्ट करते हो, तब भी जाके 2 नंबर पे मर जाते हो। कितने परसेंट चांसेस होते हैं कि आप लास्ट में सरवाइव करोगे, जीत जाओगे चिकन डिनर? बहुत कम चांसेस होते हैं। कितनी बार होता है कि आपका ऑमलेट हो जाता है भले ही आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं? कितनी बार होता है कि आपको सांप के बच्चे उड़ा देते हैं जो लेटे रहते हैं नीचे ज़मीन पे? और कितना बॉट से भरा है गेम, और मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको एमुलेटर से खेल के उड़ा देते हैं इफ़ यू आर अ मोबाइल प्लेयर। तो मैं इसके बारे में बहुत सारे नेगेटिव्स, जो भी इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, जो बहुत सारे हैं, अभी मैं यहाँ पे गिनाने नहीं बैठा हूँ, तो आपके हिसाब से जो भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो आप देखिए क्या है, और जब भी आप गेम खेलने बैठें तो आप उन्हें याद करें, उन्हें बोलें। तो इससे क्या होगा, आपको गेम के प्रति थोड़ी सी हेट होगी, एडिक्शन तो है पर हल्का हल्का हेट शुरू, सॉरी हेट, हाँ हेट होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सब करने से होगा क्या। जब भी आप कोई चीज़ बोलते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। जब भी आप पबजी के बारे में अच्छा अच्छा बोलते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ जाती है कि हाँ इट इज़ गुड, इट इज़ गुड, इट इज़ गुड। बट जब आप उसके बारे में बुरी चीज़ें बोलेंगे तो आपको ये लगेगा कि इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, बट वो सारी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके स्टोर होने लगेंगी, और ओवर द टाइम वो आपके कॉन्शियस माइंड पे भी इम्पैक्ट डालेगा। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, प्लेसिबो इफेक्ट काम करता है, सेम एज ये भी काम करेगा। तो आपको जितना हो सके उतना नेगेटिव फीडबैक देना है इसके बारे में। आपको लग रहा होगा कि ये काम नहीं करेगा, बट डेफिनेटली ये काम करेगा, जस्ट ट्राई वंस। अब यार आपको ऐसा लगता होगा कि यार मैं तो एडिक्टिव नहीं हूँ ना, मैं 1-2 घंटे खेलता हूँ और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये आपका एडिक्शन है, और आपको पता चल जाएगा कि ये आपका एडिक्शन है या फिर नहीं है। तो अगर आप दिन में 4-5 घंटे गेम खेलते हैं और अपने दोस्तों को कहते हैं कि यार मैं सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए खेलता हूँ, यार आपकी लाइफ में बहुत सारे काम हैं, एंटरटेनमेंट के लिए सिर्फ आपके पास 1-2 घंटे, आप रात रात भर जागते रहते हैं इस गेम को खेलने के लिए, अगर कोई भी इंपॉर्टेंट काम है आप वो इंपॉर्टेंट काम नहीं करते, इस गेम को खेलते रहते हैं, सामने एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, बोर्ड्स आ रहे हैं, फिर भी आप इस गेम को खेल रहे हैं, तो ये होता है एडिक्शन, आप उसके ट्रैप में फंस चुके हैं। तो फर्स्ट आइडिया मैंने दे दिया आपको इस ट्रैप से निकलने के लिए कि अनइंस्टॉल इट फ्रॉम योर माइंड, नॉट फ्रॉम योर डिवाइस। डिवाइस से अनइंस्टॉल करोगे फिर से आ जाएगा, लेकिन अगर माइंड से एक बार इंस्टॉल कर दिया तो वो दोबारा नहीं घुसेगा चाहे कुछ भी हो जाए। सबसे बड़ा एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो जब भी आप पबजी खेलते हैं और पबजी खेलने के बाद उस गेम को जब आप बंद करते हैं तो आपको मज़े वाली फीलिंग नहीं आती, आपको ऐसा लगता है कि क्या यार टाइम वेस्ट कर दिया, रिग्रेट वाली फीलिंग आती है आपको, अब वो हैप्पीनेस नहीं होती जो पहले हुआ करती थी पबजी खेलने के बाद। तो ये जो लेवल है वो एडिक्शन का लेवल है, तो आप इससे पता कर सकते हैं कि अब ये आपका एडिक्शन बन चुका है। आई होप ये थोड़ा ईजी होगा आपके लिए समझना। आपके कई सारे गोल होंगे, आप चाहे वो गोल छोटे हों चाहे बड़े हों, पर जब भी आप उस गोल के लिए अभी काम नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ पबजी, और जब आप 5 या 6 साल बाद आगे जाएंगे और आपको पता चलेगा कि मैं इस गोल से कितना दूर हो गया हूँ दिन में 2-3-4 घंटे पबजी खेलने से, तो आपको बहुत रिग्रेट होगा, बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा। और उसके बाद आप कम बैक थे हो, जब भी आप एक बार अपने गोल को अचीव कर लो उसके बाद खेलते रहो, नो प्रॉब्लम। बट ये बात आपको समझनी होगी, जब आप अपने गोल से बहुत पीछे हो जाओगे तो आपको ऐसे ख्याल आते हैं कि क्या काश यार उस टाइम पे मैं अगर 4-5 घंटे गेम नहीं खेलता, कुछ और काम कर लेता, अपनी स्किल्स इम्प्रूव कर लेता, अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर लेता, कोई और नई चीज़ सीख लेता, तो आज मैं अपने गोल से इतना ज़्यादा पीछे नहीं होता। आप अभी का मत सोचिए, फ्यूचर थोड़ा सा आगे देख के सोचिए, तो आपको पबजी खेलने के फ़ायदे नहीं सिर्फ आपको घाटे ही घाटे मिलेंगे। अब यार मैं आपको कितना भी समझा लूँ, कितना भी बता दूँ, या आपके दोस्त कोई भी कुछ भी बोल दें, कितना भी बोल दें, आप तब तक इस गेम के एडिक्शन को नहीं छोड़ेंगे, आप तब तक नहीं समझेंगे जब तक आपके दिमाग में आप खुद से इसका एडिक्शन ना छोड़ना चाहें। जब भी आप अपने फ्यूचर सेल्फ से बात करेंगे, ये जो मैंने आपको बताया कि 5-6 साल आगे का सोचिए, और अगर आप वो रिग्रेट नहीं करना चाहते हैं तो प्लीज़ अपना सेल्फ डिसीजन लीजिए इस गेम को छोड़ने के लिए, क्योंकि मैं कितना भी ज्ञान दे दूँ, कितनी भी सारी चीज़ें बता दूँ, ये एडिक्शन आपसे तब तक नहीं छूटेगा जब तक आप ये खुद से डिसीजन नहीं लेते हैं। और अगर अभी भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो 90% चांस ये है कि आप इस गेम के एडिक्शन को छोड़ना चाहते हैं और आपके अंदर अभी वो रिग्रेट वाली फीलिंग शुरू हो गई है, और मैं पूरा बिलीव करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप यूज़ करेंगे तो आप ज़रूर इस एडिक्शन को छोड़ पाएंगे। और अगर आपको
बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें समझना है और कुछ और तरीके जानना है तो आप आई बटन पे क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं जो मैंने इस वीडियो के शुरू में भी मेंशन किया है कि बुरी आदतें कैसे छोड़ें और एडिक्शन कैसे छोड़ें। मैंने बहुत पहले वो वीडियो बनाई थी बट उसमें मैंने क्यू वाला फार्मूला आपको समझाया था, ट्रिगर, रूटीन और रिवॉर्ड वाला तरीका, जिससे आप स्मोकिंग, ड्रिंकिंग ऐसी आदतें भी छोड़ सकते हो और कोई भी गेम की आदतें भी छोड़ सकते हो। और मैं आपको यहाँ पे एक काला सच बताता हूँ जो शायद आपको पता हो पर इसके ऊपर आपने कभी ध्यान नहीं दिया। ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, बड़े बड़े गेम्स को लीड करती हैं, वो करोड़ों रुपए इस चीज़ में खर्चा कर देती हैं कि कैसे उनके प्रोडक्ट को ज़्यादा एडिक्टिव बनाया जा सके जिसके बिना आप एक दिन भी ना रह सकें। ज़्यादातर जो सेलिब्रिटी होते हैं वो इंस्टाग्राम से एडिक्टिव होते हैं। आजकल फेसबुक मैं कहूँगा नहीं पर बहुत डाउन हो गया है, इंस्टाग्राम बहुत अप लेवल पर चला गया क्योंकि इंस्टाग्राम में इतने पैसे खर्च किए हैं उस रिसर्च में कि कैसे उसको एडिक्टिव बनाया जाए। सेम एज पबजी के साथ है, जितना ज़्यादा वो एडिक्टिव होगा उतना ज़्यादा कंपनी की मार्केटिंग होगी और कंपनी को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इससे आपका फ्यूचर बर्बाद हो रहा है, आपके साथ क्या हो रहा है, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कंपनी वालों को, उनको सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करना है। तो ये आपके ऊपर है कि आपको स्लेवरी में जाना है कंपनीज़ की या फिर अपना खुद का फ्यूचर बनाना है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तो अब ये वीडियो ख़त्म होने की कगार पे आ गया है और अब मैं सारे पॉइंट्स को फिर से आपको रिमाइंड कर देता हूँ, आपको फिर से याद दिला देता हूँ कि आपको करना क्या है। तो नंबर वन पे आपको इस गेम को अपने फ़ोन से डिलीट नहीं करना, आपको इसको अपने दिमाग से डिलीट करना है। आपको इसके बारे में नेगेटिव चीज़ें बोलनी है, जो नेगेटिव चीज़ें रियलिटी में है, ज़बरदस्ती की नहीं बनानी है, जिससे वो चीज़ें आपकी सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगी और ओवर टाइम वो आपको अफेक्ट करेंगी। स्मार्ट आइडिया नंबर टू, आपको अपने फ्यूचर सेल्फ से बात करनी है। आपको 5-6 साल आगे फ्यूचर में जाना है और अपने आप से सवाल पूछना है कि अगर मैं 5-6 साल तक लगातार 5 या 6 घंटे इस गेम को खेलूंगा तो मेरे फ्यूचर के साथ क्या होगा, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और स्मार्ट आइडिया नंबर थ्री, ऑब्जर्व करिए कि आपके लिए खुशी का सोर्स है या रिग्रेट का। इसको खेलने से आपको खुशी मिलती है या फिर इसको खेल के बंद करने के बाद आपको रिग्रेट होता है, या पहले जैसा मज़ेदार नहीं रहा, पहले जैसा इस गेम में मज़ा नहीं आता जो पहले आया करता था 1-2 घंटे खेलने के बाद। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मैं होप करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको और सारी चीज़ें जाननी है और मदद चाहिए तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, मैं आपको एंड स्क्रीन में उसका लिंक दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इससे कुछ नया जानने को मिला तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो पबजी से एडिक्टिव है और एडिक्शन को छोड़ना चाहते हैं। अगर आपको वो बैड हैबिट वाली वीडियो देखना है तो आप लेफ्ट साइड वाली वीडियो को देख सकते हैं, और अगर आपको कोई दूसरी वीडियो देखना है तो आप इस वीडियो को देखें, राइट साइड वाली को। टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप आप वो एडिक्शन छोड़ दें।